यहाँ पे मेरे को बनाना है ईटा, मतलब ईट मिट्टी के ईट, और उसके लिए मैं यहाँ पे बाहर से मिट्टी मंगवा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मिट्टी कुछ दूसरे प्रकार की लगती है। 15 से 20 ट्रैक्टर मिट्टी गिर चुके हैं और इधर काम भी चल रहा है। सेजू चाय। यहाँ पे पेड़ों के छाव में हम लोग बैठे हुए हैं सौम्य के साथ और यहाँ पे चाय का आनंद भी हम लोग लेने वाले हैं। बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे कुर्सी में आराम से बैठने, खुली जमीन पे एकदम बिल्कुल खेत में हम लोग यहाँ चाय का आनंद लेंगे। और सामने देखिए हमारे नीम का पेड़ भी है, आम का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है। तू कैसा फील कर रहा है यहाँ पे? ऐसा कौन सा क्वालिटी इस जगह का है जो तेरे को ज्यादा आकर्षित कर रहा है इस जगह में? एकदम फ्री होके बताया जा, कोई टेंशन को नहीं। यहाँ पे धूप भी और हवा भी आ रहा है। और धूप भी और हवा भी आ रहा है, पीछे से ट्रैक्टर भी आ रहा है। तो हमारे हाथ में है मसाला चाय, गजब। तो इसमें खासकर इसमें जो काली मिर्च और सेंधा नमक और नींबू, यह जो होता है वो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देता है, विकट आनंद आता है। हल्की हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है और क्या मस्त फीलिंग आ रहा है प्रकृति के इन नज़ारों के बीच, पेड़ पौधों के बीच चाय पीने का जो आनंद है बिल्कुल परमानंद की अनुभूति करा रहा है। करीबन 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे भूख भी लग रही है। और सौम्य ये पोटैटो बिस्कुट लेके आ गया है और मैं सौम्य के इतना लगभग ही था, सौम्य के इतना ही बड़ा था। और यहाँ पे धान वान लगाते थे, धान के फसल थे और कभी कभी कुछ और भी फसल लगा दिया करते थे मेरे पापा जो है। और ये जो पीछे आप काफ़ी पुराना जो आम का पेड़ देख रहे हैं, यह उस समय एकदम हृष्ट पुष्ट हुआ करता था, बहुत मीठे मीठे इस पे आम लगते थे, काफ़ी मात्रा में आम लगते थे। ये मान के चलिए कि एक पेड़ से लगभग 10 क्विंटल 11 क्विंटल आम के जो फल थे वो निकल जाया करते थे, काफ़ी मीठा होता था। तो उस समय को देखना और आज की समय को देखना, समय में काफ़ी बदलाव हुआ। वो एक समय जब हमारे हाथों में मोबाइल नहीं, दूर दूर तक मोबाइल का नाम नहीं सुना था, एक टेलीफोन लगवाए थे घर पे, काफ़ी जो लैंडलाइन जो होता था वह जब लगा था काफ़ी खुशी थी चेहरे पे। मतलब दिन भर जबरदस्ती का हम लोग कुछ भी नंबर डायल कर दिया करते थे और आज हाथों में मोबाइल है, समय का परिवर्तन देखिए। उस टाइम एक लूना हुआ करता था हमारे पास, मेरे पापा एक लूना खरीदे थे तो मैं वह लूना लेके कहीं आसपास घूमने चल दिया करता था, काफ़ी मस्त लगता था। जब सोचता हूँ तो उस समय को सोच के ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वह सब जो परिस्थितियाँ थी हमारे संघर्ष के दिन थे और संघर्ष हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को सिखा गई। और धीरे 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 समय के साथ साथ बदलाव होता गया। जब भी मैं यहाँ पर बैठता हूँ, इस ऐसे मौसम जब आते हैं, एक अजीब सा अकेलापन जब महसूस होता है, तब मेरे को वो सब चीज़ें, वो सब बातें याद आती हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज भी हूँ मैं अपने खेत पर ही और यह अगला दिन है, अगली सुबह है। और ये मास्क जो आप लोग देख रहे हैं, इसका कारण यह है कि जब भी ट्रैक्टर आ रही है तो यहाँ से धूल काफ़ी उड़ रहे हैं, जिसके कारण कल रात को मेरे को सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बहुत प्रताड़ित था रात में। आप लोग जरूर एक चीज़ ज़रूर सोचते होंगे, मेरे को पता है कि भैया आप ये बाल खड़े खड़े कैसे हो गए हैं। तो इन बालों के विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि पता नहीं कैसे खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं यह खड़ा नहीं किया हूँ। जब भी नहाने के बाद ऐसे ऐसे करता हूँ, उसके बाद अपने आप ये खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कब इन्हें सोना नसीब होगा, लगता है कि और थोड़े से बड़े हो जाने के बाद यह ऑटोमेटिक
डाउन हो जाएंगे। तो जिस समय इस लुक का टाइम था उस समय तो यह लुक आया नहीं, और जब सामान्य लुक का समय है तो उस समय यह लुक स्वतः निर्माण हो गया है। हर चीज़ों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, वैसे कुछ रहस्य होगा भाई। ऐसे खड़े हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह सुबह की धूप इतनी अच्छी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, एकदम मस्त मज़ा आ रहा है। और यह जो आप लोगों को घास दिख रहे हैं ना, इस पे ओस के बूंद लगे हुए थे कुछ देर पहले, अभी तो धूप निकल गई, ओस के बूंद खत्म हो गए। तो ओस के बूंदों में चलने से सुबह सुबह आँख की रोशनी बरकरार रहती है, बढ़ती है, बताया जाता है ऐसा। तो अब चाय का इंतजार है, चाय पी लेते हैं। तो अभी हुआ क्या, इस ट्रैक्टर का मट्टी गिराते गिराते चक्का एक तरफ चढ़ गया, तो देखिए अनबैलेंस हो गया, हमारा ट्राली कैसे यहाँ पलट गया है। ये ऐसा भी काम होता है। तो अब इसे उठाने के लिए जेसीबी की सहायता ली जाएगी। अच्छे से हमने गोलू का जन्मदिन मनाया, छोटी सी खुशियां सही, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बड़ी खुशियों से कम नहीं। सच बताऊं तो यह सब जो खुशियां हैं, और जब भी कोई पर्व होता है हम
हमारे लिए अच्छे दिन जब भी आते हैं हमारे घर में, कुछ भी ऐसे मंगल कार्य होते हैं, भले ही चेहरे से हम लोग खुश होते हैं लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक कसक रहती है, एक कमी सी महसूस होती है, और वह ऐसी कमी है जिसे शायद अब हम चाह के भी पूरा ना कर सकें। जब तक वो हमारे बीच रहते हैं तब तक हमें वो एहसास नहीं होता कि उनके बिना हमारी अहमियत क्या है। वो तब एहसास होता है जब उनका हाथ हमारे सर से उठ चुका होता है। जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है वो हमारे माँ पिताजी ही होते हैं, हमारा परिवार होता है। तो इसे आप लोग संजो के रखिए, क्योंकि यह जो संपत्ति है वो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस धरोहर को संभाल के रखिए। तो आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।